हरियर फ्रेंड, क्लास 7 फिजिक्स का ये पार्ट है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जो मैंने स्टार्ट कर दिया था और इसके पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आप लोग को ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट का आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो पॉइंट हम सीखने वाले हैं वो है एयर प्रेशर कॉन्सेप्ट। अभी एयर प्रेशर कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम बताएंगे। एयर प्रेशर मतलब एयर का क्या, जो हवा है उसका दबाव कितना है। प्रेशर मतलब दाब होता है, तो कितना दबाव है। अगर एयर प्रेशर है जिसकी वजह से हम लोग स्टैंड खड़े हो जाते हैं आराम से, तो उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। एज द प्रेशर ऑफ एन एरिया रिड्यूस, विंड स्पीड इंक्रीज एंड वॉइस वर्सा। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेशर के कारण ही जब एरिया रिड्यूस होता है तो विंड की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस एरिया में प्रेशर रिड्यूस होता है, एक एरिया है जहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इसका मतलब वहाँ पर विंड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, हायर प्रेशर डिफरेंस हायर द स्पीड ऑफ विंड। मतलब प्रेशर का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही तेज हवा होगी। जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एयर है, कहीं पे बहुत लो है, तो वो हाई से लो की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है, ये वन जोन टू अनदर जोन के बीच में प्रेशर का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही विंड जो फ्लो होती है, ब्लो होती है, उसका रीज़न ही होता है प्रेशर का डिफरेंस। कहीं प्रेशर कम है, कहीं प्रेशर एयर का ज़्यादा है, तो हवा तेज से बहती है। तो टू मेजर कॉन्सेप्ट हैं। पहला देखो, यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट, दो मेजर कॉन्सेप्ट हैं। पहला, हाई स्पीड विंड आर एकॉम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। एयर प्रेशर रिड्यूस होने के कारण ही हाई प्रेशर, हाई स्पीड विंड होता है, और एयर ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर जो ट्रेवल करता है, लो होता है, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया वाले की तरफ बहता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पर बताया है। जैसे एग्जांपल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया है कि ब्लोइंग एयर बिटवीन टू बैलून। मतलब दो बलून है, ठीक है, दो बलून है, और वो दोनों बलून में क्या किया, ब्लोइंग एयर टाई टू अ रॉड, और एक रॉड से बांध देते हैं। दिस रिड्यूस द एयर प्रेशर इन टू द बलून। हम क्या करेंगे, एयर प्रेशर देखेंगे कि किसका कम है, क्योंकि एयर का भी क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, अगर किसी में कम भरे और किसी में ज़्यादा भरे हो तो एक बैलेंस पे देखोगे तो वो उस तरफ ज़्यादा लटकेगा। जिसका ज़्यादा होगा, जिसमें एयर, उस तरफ ज़्यादा लटकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, अभी जैसे देखो बलून होता है, बलून के अंदर हवा नहीं है, तो हम भरते हैं तो आराम से उसमें भर जाता है। लेकिन अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होता और फिर हम फूंक के भरना चाहते बलून में, तो नहीं हो पाता, हालांकि वो बाहर निकलने लग जाता स्पीड से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम हवा छोड़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कि नीचे का हवा का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लो होता है, और हमारा जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है। तो हम मुँह से करते हैं तो ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, ये हाई स्पीड एयर रिड्यूस प्रेशर अबव पेपर स्ट्रिप, सो स्ट्रिप मूव अप फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। ये भी एग्जांपल है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। मतलब हीट करते हैं, हीट करने पे एयर क्या होता है, एक्सपांड होता है, मतलब फैलता है। हीट करेंगे तो एयर क्या होगा, एक्सपांड होगा, फैलेगा। एयर मॉलिकुल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ध्यान से समझ लेना कि एयर जो होता है हीट करने पे फैलेगा, ठीक है, एक्सपांड होगा, फैलना मतलब एक्सपांड होना, और कूल करने पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाना। ठीक है,
हॉट एयर मॉलिक्यूल्स टेक मोर स्पेस देन कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स। बात वही हो जाती है कि हॉट एयर में क्या हो जाता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, एक्सपांड होते हैं, तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और कोल्ड में देखोगे तो एयर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एरिया उसका स्पेस कम हो जाता है। वार्म एंड हॉट इज लाइटर देन कूल एयर। वार्म गर्म है, चाहे गर्म हवा है या तो हॉट हवा है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा हल्का होता है कूल एयर से, कूल एयर से वो हल्का होता है, जो हॉट होता है वो हल्का होता है, समझ में। वार्म एयर लाइक स्मोक, वार्म एयर में जैसे स्मोक होता है, राइजेज अप एंड कूल एयर सेटल डाउन। कूल एयर जो होगा ना वो नीचे की तरफ आएगा, और हॉट एयर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे देखो तो धुआँ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, स्मोक जो होते हैं ऊपर की, क्योंकि वो हॉट गर्म होते हैं, और जो हम भाप छोड़ते हैं कई बार देखते हो तो वो नीचे की तरफ सेटल होते हैं क्योंकि कूल होते हैं, ठीक है। भाप नहीं बोल सकते, हमारे मुंह में से जो हम छोड़ते हैं ना, जैसे मुंह से हवा निकाल रहे तो ठंडा होता है। When warm air rises up, when warm air rises up, मतलब गर्म हवा क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है, और कोल्ड एयर ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। इट क्रिएट्स लो प्रेशर इन एरिया, वो क्या करते हैं, क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया सराउंडिंग कूलर एयर फ्रॉम रिलेटिव हायर प्रेशर देन कम्स टू टेक अप इट्स प्लेस, जो एक मतलब स्थान लेती है, घेर लेती है। कुछ एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है, या प्रैक्टिकल आप ये चीज़ें देखकर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक क्या करने का, कि व्हेन ए टेस्ट ट्यूब इज एमर्ज इन हॉट वाटर, एक टेस्ट ट्यूब लेने का और इसको हॉट वाटर में क्या कर देने का, डुबो देने का, द एयर इनसाइड इट एक्सपांड, जो उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर होगा वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, मतलब फैलेगा, जब गर्म के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, फैलेगा। अब जब फैलेगा, देख सकते हो इस तरीके का टेस्ट ट्यूब यूज करना है, टेस्ट ट्यूब मैं बता देता हूँ किस तरीके का होगा, आपने इस प्रकार से मार्केट में ऐसे टेस्ट ट्यूब मिलता है, इस तरीके का ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, ये ऊपर की तरफ ओपन रहता है और नीचे की तरफ ये पूरा पैक रहता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप में रहता है। तो इसको इसी तरीके से हॉट वाटर में डुबोना है, तो इसके अंदर का जो एयर होगा, और इसके ऊपर हमने एक गुब्बारे को लगा दिया, देखिए यहाँ पर गुब्बारे को लगा दिया है। अब जब ये गुब्बारे को लगा दिया है तो जब ये गर्म होगा, पहले देखो जैसे गर्म होता है तो वो एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अगर गर्म में डाले हैं हॉट वाटर में, तो एक्सपांड होने से ये देखो गुब्बारा फूल रहा है क्योंकि हवा एक्सपांड हो रहा है। लेकिन अगर कोल्ड वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, और अगर कोई फूला भी रहेगा ना तो सिकुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोल्ड जो एयर होता है वो और ज़्यादा एकदम कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, सिकुड़ते जाता है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब ये इस तरीके का, ये प्लास्टिक का लिया एग्जांपल, कि किसका लिया, हॉट एयर फ्रॉम कैंडल गोज इनसाइड इन वन ऑफ द पेपर बैग, द अदर बैग हैज नॉर्मल एयर, ये एक एग्जांपल है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ विंड जनरेशन, यहाँ पर बात किया है कॉजेज ऑफ विंड जनरेशन, विंड जनरेशन के कारण, कारक क्या हैं, विंड जनरेट होता है, ठीक है, उसके कारक क्या है, तो एक चीज़ तो मैंने बता दिया कि प्रेशर, हायर प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो होता है, और क्या होता है, विंड और विंड करंट आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर, विंड करंट ये दो फैक्टर पे जनरेट होते हैं। पहला फैक्टर है अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर, जो पोल्स होते हैं और इक्वेटर्स होता है वहाँ पर अनइवन होने के कारण, जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाता है और यहाँ पर ये नीचे साउथ पोल हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाता है और ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर होता है। तो जब यहाँ पर मान लो कि हॉट होगा और यहाँ पर कूल होगा तब ये ब्लो होता है, ठीक है, तभी ये ब्लो होता है अनइवन होने के कारण, मतलब कहीं यहाँ पर ज़्यादा मतलब हीट है और यहाँ पर कम है, या यहाँ पर कम है और वहाँ पर ज़्यादा हीट है, तो इसके रीजन से भी ये होता है, इसके रीजन से भी
ये पॉसिबिलिटी होती है। आगे बोला है कि अभी देखो अनइवन की बात जो कर रहा है वो चीज़ें थोड़ा सा समझा रहा है, फिर उसके बाद से दूसरा फैक्टर भी देखेंगे। सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर, अभी जो मैंने बताया, एंड टू एक्सट्रीम पोजिशन आर पोल्स, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। पोल्स आर कूलर देन इक्वेटर, पोल्स जो होते हैं दोनों पोल्स वो क्या होते हैं, बहुत ही कूल होते हैं इक्वेटर से, बीच वाले से। हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ सन सीटिंग एंड लाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर एंड इट रिड्यूस एज वी गो आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मतलब पोल पे क्या होता है कि एकदम कूल होता है, वहाँ पे हीट कम होता है और इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होता है। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज ऑफ द इक्वेटर कम्स टूवर्ड द इक्वेटर टू फिल प्लेस ऑफ द वार्म एयर विच राइजेज अप टू ड्यू टू सन हीटिंग। सिमिलरली कूलर एयर फ्रॉम पोल कम्स टूवर्ड द सराउंडिंग एरियाज एज द सराउंडिंग एरियाज हैव एयर वार्मर देन द पोल्स। दीज विंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू इक्वेटर एंड साउथ टू इक्वेटर आर नॉट स्ट्रेट एज देयर डायरेक्शन चेंज ड्यू नॉर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सन का रे जाता है तो सीधा ये इक्वेटर पे आता है, सीधा इक्वेटर पे, लेकिन नॉर्थ पे या साउथ पोल पे जाने के लिए लंबा डिस्टेंस है, तो इसलिए वहाँ पर कूल रहता है और इक्वेटर पे क्या रहता है, ज़्यादा हीट रहता है। और दूसरा यहाँ पे फैक्टर जो दिया है, अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, ये दूसरा रीजन है जिसके कारण विंड जनरेट होता है। पहला तो अनइवन हीट ऑफ इक्वेटर एंड पोल के कारण होता है, दूसरा है अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, वाटर का अगर हीट और लैंड का हीट में भी अगर अनइवन होता है, अनइवन मतलब डिफरेंट, अलग है, मतलब पानी ठंडा है और लैंड गर्म है। समर सीजन में आप देखते ही हो कि पानी ठंडा रहता है और जो लैंड रहता है नंगे पाँव से उसमें नहीं चल पाएंगे, लेकिन पानी में चल लोगे, ठीक है। तो लैंड पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी विंड जो होता है, हवा होता है, वो जनरेट होता है। विंड मतलब हवा, ये एक प्रकार का है। दिस अकर्स इन द कोस्टल एरिया, ये कहाँ पर होता है, कोस्टल एरिया में जहाँ होता है, ठीक है। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तटीय है, सी ब्रिज है जैसे कि। This causes the wind to move from sea towards the land and the process continues during the day. ये process continues the during day में चलता है। These are also called monsoon wind भी बोला जाता है इसको। मतलब दिन में देखोगे ना कि जो sea है, sea तरफ से land की तरफ हवा चलती है और उसी को बोला जाता है monsoon wind। और लैंड ब्रिज जिसको बोला जाता है, दिस कॉज द विंड टू मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी, मतलब लैंड से सी की तरफ हवा चलती है तो उसको बोला जाता है लैंड ब्रिज। सी ब्रिज किसको बोला जाता है, जो सी से लैंड की तरफ हवा चलती है, विंड चलता है, तो उसको सी ब्रिज बोला जाता है। मतलब जिधर से आता है उसको ब्रिज बोला जाता है, सी से आ रहा है हवा तो सी ब्रिज, और लैंड से सी की तरफ जा रहा है तो लैंड ब्रिज। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू चलता है, डे में आप देखोगे तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हवा इस तरफ से चलेगा, और नाइट में इस तरीके से। देखो नाइट लैंड ब्रिज नाइट में होता है और डे टाइम पे सी ब्रिज होता है। अब इसके बारे में भी देखो डिटेल में देख सकते हैं सबके बारे। देखो सी ब्रिज में क्या होता है, कूल एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, कूल एयर मूव होता है कहाँ की तरफ, सी से लैंड की तरफ, ठीक है। और लैंड पे क्या होता है, वार्म होता है, गर्म हवा होती है, क्योंकि आते ही लैंड क्यों गर्म रहता है दिन में। वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजेस, क्या हो जाता है फिर, वार्म एयर लैंड राइजेस अप, वार्म एयर टेक प्लेस कूल और एयर एट हाई टेम्परेचर, कूल एयर इज पुश डाउन टूवर्ड सी, और कूल एयर सी की तरफ चला जाता है। सेम उसी की तरह यहाँ पे भी दिया है, कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, वार्म एयर फ्रॉम, जो गर्म हवा रहती है वो सी की तरफ चली जाती है, और कूल हवा सी मतलब वार्म हवा रहती है फ्रॉम सी से राइज होती है, और कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू सी। वार्म एयर टेक प्लेस ऑफ कूल एयर एट हाई टेम्परेचर, जैसे ये देख रहे हो ये जो कंटिन्यूस चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये वही चीज़ बता रहा है।
आगे हम देखेंगे कि समर एंड विंटर का विंड्स क्या होता है, समर एंड विंटर में विंड्स का क्या किस तरीके से विंड ब्लो होता है समर में और विंटर में, तो नेक्स्ट पार्ट पार्ट थ्री में हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए इतना, वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।